नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के जो आपने काउंसलिंग प्रोसेस में जो चॉइस फिलिंग की थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो उसका जो प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो सारा मेंशन है। और खुशी की बात यह है कि मैंने 22 कैंडिडेट्स की काउंसलिंग प्रोसेस की थी, उनमें से 21 कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल चुकी है। उनको केवल एक कैंडिडेट जिनका बिल्कुल क्वालिफाइंग स्कोर इतना ही स्कोर था, लेकिन उनकी भी कोशिश की जाएगी कि लास्ट राउंड तक उनको भी कॉलेज है वो अलॉट हो सके। तो आप अपना जो रिजल्ट है वो किस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपको इस पर क्लिक करना। जैसे बीएससी नर्सिंग का अगर आपको देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर पोस्ट बीएससी का देखना है तो इस पर क्लिक करना है, और एमएससी नर्सिंग वाले इस पर क्लिक करना है। तो बीएससी नर्सिंग वाले क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी मेरिट क्या थी, आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके यहाँ पे नेम दे रखा है, और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और यहाँ पे कौन सा कोर्स आपका कौन एचपी कोटा से है या जनरल कैटेगरी यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन कर रखी है। आपकी ओवरऑल रैंक यहाँ पे, नेम और कॉलेज अलॉटमेंट कौन सा हुआ है, तो इस तरीके से आप अपना जो कॉलेज है वो देख सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोविजनल लिस्ट है। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे, ये ईमेल आईडी दे रखी है, तो 18/7/2023 तक 11:59 तक आप अगर इसमें कोई भी चेंजेज है, अगर आपका इसमें ये दिखाई दे रहा है कि नेम में या आपके यहाँ पे कोई कोटा चेंजेज है या कैटेगरी, तो आप इस ईमेल पे इनको मेल करके आप इस डेट से पहले पहले आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर कोई भी चेंजेज नहीं करवाना तो सेम यही लिस्ट है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के तौर पर जारी की जाएगी। और जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड का वेट करें कि सेकंड राउंड तक कितनी सीटें हैं वो वैकेंट रहती है। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड करवा सकूँ, जिसके माध्यम से आपके जो भी डाउट हो सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।